है मैदा, स्वाद अनुसार नमक, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी इसको सॉफ्ट करने के लिए ताकि नरम रहे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दो ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। एक गड़बड़ी पानी चाशनी तैयार करने के लिए, एक कॉली चीनी, इसको ना ज्यादा गाढ़ी ना पतले, जब तक घुल जाए अच्छी तरह, जब तक चीनी घुल जाए। आधा घंटा हो गया, अब हमने निकाली, अब हमने इसकी बालूशाही बनानी है। ये गोल इसलिए किया है ताकि इसमें मीठा रच जाए अच्छी तरह से। सिम गैस रखना है, हम अब बालूशाही को पकाने जा रहे हैं। अब ये ऐसे फूल के आ गई, अब इसको धीरे धीरे सेक लगाते जाना है और इसका इसको ऐसे ऊपर नीचे करते जाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब इसका कलर ऐसा हो गया, अब हम इसको ठंडी चाशनी में डालेंगे। बालूशाही गरम चाशनी ठंडी होनी चाहिए, चाशनी इसको पूरा डुबोना ताकि इसमें मीठा अच्छी तरह से रस जाए। दस पंद्रह मिनट इसको बीच में रखना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से मीठा बीच में हो जाए। दस पंद्रह मिनट के लिए इसको हम ऐसे ढक के रख देंगे। वरी हमारी बालूशाही बनकर रेडी हो गई है। हमारी बालूशाही अब रेडी हो गई है।